बिग बॉस के घर में इस हफ्ते अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा चालू हो गया है। बता दें कि इस हफ्ते दर्शकों को अर्शी खान का दूसरा रूप देखने को मिला। दरअसल घर पूरी तरह से एक कोर्ट में तब्दील हो गया है, जिसके चलते हिना और विकास वकील बनते हैं। इस कोर्ट में दो जज भी बनाए जाते हैं, पहली बंदगी और दूसरी सपना। वहीं अर्शी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। इस दौरान प्रियांक और हिना के लिए काफी अपशब्द बोले जाते हैं। हिना कहती है कि अर्शी हितेन पर डोरे डालती है, वहीं प्रियांक भी अर्शी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर अब अर्शी अपने आपे से बाहर हो जाती है। अर्शी इस दौरान कहती है कि प्रियांक को महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती। प्रियांक अर्शी पर अजीबोगरीब आरोप लगाते हैं। इस बीच अर्शी प्रियांक के पीछे बुरी तरह पड़ जाती है। वही मामले को विकास और शिल्पा ठंडा करने की कोशिश करते हैं। विकास अर्शी को समझाते हैं कि वे ये पागलपन ना दिखाएं, लेकिन अर्शी को हिना और प्रियांक की बातें दिल पर लग जाती है। और इस बीच शिल्पा अर्शी को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन अर्शी मानने को तैयार नहीं होती। इतना ही नहीं, अर्शी तो गुस्से में ये तक कह जाती है कि वह प्रियांक पर जूता फेंकेंगी। अर्शी प्रियांक को धमकाते हुए कहती है कि अगर वे उनके पास भी आए तो वे उन्हें जूता मारेंगी। वेल, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि घर में हो रहे इस हंगामे को लेकर वीकेंड के वार पर अब सलमान का कैसा रिएक्शन आता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।